पिछले वीडियो में हमने आर्डुइनो के बोर्ड के एलईडी को प्रोग्राम से कंट्रोल किया। अब इस बार हम एक एक्सटर्नल एलईडी कनेक्ट करेंगे। हमने 13 नंबर के पिन से एक एक्सटर्नल एलईडी यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ केबल्स की ज़रूरत होगी और एक एलईडी और फिर एक रजिस्टर। आपका जो स्टार्टर किट है, उस स्टार्टर किट का बॉक्स आप खोलें और उसमें आपको ये सारे कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें केबल्स की ज़रूरत होगी, तो केबल का पाउच खोलें। इसमें अलग अलग रंगों के कई छोटे बड़े केबल्स दिखते हैं। इसमें से एक लाल और एक काला, दो केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें एलईडी का पाउच खोलें। इसमें कई तरह के रंग बिरंगे एलईडी हैं। इसमें से किसी भी रंग का कोई भी एक एलईडी चुन लीजिए। एलईडी के दो पैर होते हैं, उसमें एक छोटा और एक बड़ा होता है। और छोटा जो है पैर, उसे निगेटिव कहते हैं और बड़े वाले पैर को पॉजिटिव कहते हैं। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। तो जो छोटा पैर है, इसको कैथोड कहा जाता है, ये एलईडी का निगेटिव है। और लंबे वाले पैर को एनोड कहते हैं, ये एलईडी का पॉजिटिव है। और ये 330 ओहम का रेजिस्टर है। आपके स्टार्टर किट में रेजिस्टर्स का एक पाउच होगा, यह इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ के रजिस्टर्स का एक बंडल है और हर एक स्ट्रिप में एक ही वैल्यू के रजिस्टर्स की एक स्ट्रिप या माला बनाई गई है। और इसकी वैल्यू हमें इसके कोने में लिखी हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से ये एक स्ट्रिप होगा। यहाँ पे 330R लिखा है, तो ये 330 ओहम है, हमें इसी रजिस्टर की ज़रूरत है। तो इसमें से एक रजिस्टर काटने के लिए आप कैंची का इस्तेमाल करें और फिर उसे एक रजिस्टर का जो कागज़ है उसे काट लें। यहाँ पे एक कोने में लिखे हुए वैल्यूज़ आपको दिखाई देते हैं, ये इसके वैल्यूज़ हैं अलग अलग। तो रजिस्टर काटते समय जिस साइड में वैल्यूज़ लिखी है उसके दूसरे साइड से काटना शुरू करें, क्योंकि अगर आपने उसके वैल्यू के साइड को काट दिया तो आपको फिर पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि रजिस्टर्स की वैल्यू पहचानने का ये सबसे आसान तरीका यही है। रजिस्टर्स की वैल्यू को जानने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो उसका कलर कोड होता है, जो रजिस्टर के ऊपर जो अलग अलग रंगों की धारियां हैं, इन धारियों के रंग को देखकर उसमें जो तीन बैंड है, उन तीन बैंड्स के साथ ही आप उसको उसकी वैल्यू तय कर सकते हैं, या फिर एक डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिजिटल मल्टीमीटर में ओहम वाले हिस्से में मल्टीमीटर को सेट करके आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हम इसकी जो लिखी हुई वैल्यू है हमारे स्टार्टर किट में, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये याद रखें कि एक कोने में लिखा हुआ हमें आपको दिखाई देगा। अब ये जो है ब्रेडबोर्ड है, तो ये ब्रेडबोर्ड भी आपके पास हो सकता है इसी तरह का हो या फिर अलग भी हो। तो यहाँ पर लाल और नीले रंग की धारियाँ हमें दिखाई दे रही हैं ब्रेडबोर्ड पर। बाहर की ओर से लाल रंग से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव के हैं और नीले रंग निगेटिव के लिए है। तो ऊपर की जो धारियाँ हैं उसमें जो होल्स हैं, उन छेदों में आप किसी भी जगह पर अगर पॉजिटिव या निगेटिव सप्लाई देंगे तो उस लाइन के अक्रॉस हर जगह पर आपको उसका कनेक्शन मिल जाएगा। जबकि नीचे की ओर के जो होल्स हैं, जहाँ पे ए बी सी डी ई इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से एक कनेक्शन होता है। तो ब्रेडबोर्ड का
डिटेल समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल तो हम इस कनेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राउंड पावर और ग्राउंड जहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राउंड को एक काले रंग का वायर एक लगाया है, और फिर उसका जो दूसरा सिरा है वो ब्रेडबोर्ड के नीले वाले लाइन के पास में मैंने उसको अटैच किया है, और फिर उसी लाइन में मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया है, और रजिस्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो ब्रेडबोर्ड के ऊपर रखा है उसमें एक जगह पर, और फिर उसी लाइन में मैंने एलईडी का निगेटिव हिस्सा कनेक्ट किया है। चूँकि हम यहाँ पे निगेटिव सप्लाई ग्राउंड दे रहे हैं, तो हम एलईडी का जो निगेटिव हिस्सा है छोटा वाला वो रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए रजिस्टर का जो दूसरा वाला सिरा है वो इस तरह से आपको रखना पड़ेगा ताकि उसको एक दूसरा हम सप्लाई दे सकें, और रजिस्टर का जो लंबा वाला सिरा है उसकी लाइन में हम लाल रंग की वायर जोड़ेंगे, और लाल रंग की वायर का जो दूसरा सिरा है वो जाएगा 13 नंबर में। आर्डुइनो उनो के जो डिजिटल पिन्स हैं उसके 13 नंबर वाले पिन में ये जाएगा। अब हम आर्डुइनो का जो सॉफ्टवेयर है उसको देखेंगे। तो इसका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार हमने इसको स्टडी किया था, तो यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शंस हैं, एक सेटअप है और लूप है। सेटअप में हमने 13 नंबर के पिन को एज ए आउटपुट सेलेक्ट किया है, पिन मोड फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन है डिजिटल राइट का, तो 13 नंबर पिन से हम एक बार हाई सिग्नल देते हैं और फिर दोबारा हम लो सिग्नल देते हैं, और तो उसके बीच में हमने 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड का डिले किया है। अब यहाँ पर हम इसका जो टाइम है इसको कम करेंगे, 1000 की जगह हम 100 मिली सेकेंड्स करेंगे, तो ये जो ब्लिंक रेट है ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के बटन पर हम इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे इसके हमें मैसेजेस दिखाई देंगे, कंपाइलिंग स्केच और डन कंपाइलिंग। तो यहाँ पर जो एक नॉर्मल मैसेज है, कंपाइलेशन पूरा होने के बाद में हम इसे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए जो अपलोड का जो बटन है राइट एरो वाला, उस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर ये राइट हो जाएगा। कंपाइलिंग स्केच अपलोडिंग डन अपलोडिंग। तो जैसे ही ये उसका अपलोड पूरा हो जाएगा तुरंत आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है उसका ब्लिंक रेट फास्ट हो गया है। तो पहले ये 1 सेकंड का था, अब ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ब्लिंक हो रहा है। तो इस तरह से ये जो आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर जो लंबा सा माइक्रो कंट्रोलर आपको दिखाई देता है, इस माइक्रो कंट्रोलर को हम प्रोग्राम करके उसके द्वारा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे इनिशियल एक्सपेरिमेंट है इसका। तो अगली बार हम एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं।